Okay, so good evening, students. So we are continuing with our C series, C programming series. So आज हम लोग स्टडी करेंगे फॉर लूप के बारे में, ठीक है. सो लास्टली अभी तक हम लोग ने जो डिस्कस किया वो बेसिक्स कुछ लेक्चर्स हैं सी प्रोग्रामिंग के ऊपर में, और वो सारे प्रोग्रामिंग के लेक्चर्स हम लोगों ने अच्छे से देख लिया है. उनके पीछे का जो फंडामेंटल्स है वो भी अच्छे से लर्न कर लिया. तो अभी हम लोग फॉर लूप एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर पे हैं, लूप पे हैं बेसिकली. और सी प्रोग्रामिंग में अगर जब भी हमें लूप पढ़ना होता तो हम ये कहते हैं कि यहाँ पे तीन तरीके के लूप हैं जो हमें स्टडी करने होते हैं. तो नंबर वन है वाइल लूप, सेकंड वन है फॉर लूप, एंड थर्ड वन है डू वाइल लूप. अगेन जैसे इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हमारे पास में प्रोग्रामिंग करते समय कभी डिसीजन बनाने की ज़रूरत होती है. तो डिसीजन बनाने के लिए हमारे पास में इफ एल्स है, इफ एल्स इफ है और स्विच है. उसी तरीके से हमारे पास में अब एक नई सिचुएशन आ रही है प्रोग्रामिंग करते समय, जब हमें कोई टास्क को या कोई कंपटीशन को या किसी इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करना है, बार बार करना है, कंडीशन के सेटिस्फाइड होने तक करना है या फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स करना है, तो ऐसा करने के लिए हमें लूप को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है. तो कोई भी काम जब हमें बार बार करना है, रिपीट करना है, तो उसको हमें लूप के लिए या लूप के अंदर में फिट करना होगा. तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि इनका सिंटेक्स क्या है. तो सबसे इम्पोर्टेंट है वाइल लूप. हर लूप में तीन चीज़ें आपको करनी पड़ेगी. सबसे पहले आपको कहीं इनिशियलाइजेशन करना पड़ेगा. इनिशियलाइजेशन किसका? लूप वेरिएबल का. उसके बाद आपको लिखना है वाइल, ब्रैकेट लगेगा. यहाँ पे आपको डेफिनेटली कोई कंडीशन देनी है. वाइल लूप है कंडीशन बेस्ड. फिर ये है वाइल लूप की बॉडी. इसके अंदर आप जितने मर्जी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना चाहो आप कर लो, और फाइनली वाइल लूप की बॉडी बंद हो जाएगी. इन बिटवीन जब आप सारे स्टेटमेंट दोगे तो कहीं आपको यहाँ पे बीच में सारे स्टेटमेंट के बाद में लूप को कंटिन्यू भी करना है, लूप को आगे चलाना है. लूप को आगे चलाने के लिए आपको यहाँ पे आपको करना पड़ेगा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट. इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट भी करना पड़ेगा. किसका? जो लूप वेरिएबल होगा. लूप वेरिएबल क्या है? जिस पे ये लूप चल रही है, कंडीशन जिस पे टेस्ट हो रही है, काम हो रहा है. तो ये हमारा सिंपल सा सिंटेक्स हो गया वाइल लूप का. अब यहीं पर ही समझ लेते हैं. मोस्टली सभी लोग वाइल लूप को पहले पूरा पढ़ाते हैं, फिर वो फॉर लूप पे स्विच करते हैं, फिर आपके डू वाइल पे जाते हैं. पर हम लोग को सिर्फ ये तीन चीज़ें एक साथ समझ लेनी है, अभी समझ लेनी है. और उसके पीछे आइडिया सिर्फ ये है कि हमें सिर्फ ये समझ में होना चाहिए कि इन तीनों लूप्स के बीच में केवल स्ट्रक्चरल डिफरेंस है. सिंटैक्टिकल डिफरेंस और स्ट्रक्चरल डिफरेंस, दो तरीके के डिफरेंसेस होते हैं. स्ट्रक्चरल डिफरेंस का मतलब है इसका स्ट्रक्चर ऐसे दिख रहा है. फॉर लूप का स्ट्रक्चर अलग दिखेगा और डू वाइल का स्ट्रक्चर अलग दिखेगा. सिंटैक्टिकल का मतलब ये है, इसको लिखते समय हम कुछ सिंटेक्स फॉलो कर रहे हैं. फॉर में अलग सिंटेक्स होगा और डू वाइल में अलग सिंटेक्स होगा. तो यही दो तरीके के डिफरेंसेज हैं, वो हमें अभी समझ लेने हैं. तो इसीलिए हम लोग ये तीनों लूप को एक साथ कर लेंगे. एंड उसके बाद किसी भी प्रोग्राम को करने के लिए जहाँ पे भी लूप की ज़रूरत है, तो किसी भी तरीके का लूप आप अपनी इच्छा से, अपने कंपैटिबिलिटी के हिसाब से जो लूप आपको अच्छा लगता है वो लूप आप यूज़ कर सकते हो. तो जैसे फॉर लूप है, तो फॉर लूप में हम ये कहते हैं कि ये कॉम्पैक्ट वर्जन है वाइल लूप का. अब कॉम्पैक्ट इसलिए क्योंकि जो इनिशियलाइजेशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हम अलग अलग जगह कर रहे थे वो फॉर लूप में एक साथ कर देते हैं. तो कैसे करते हैं? हमने यहाँ पे लिखा फॉर, ये पहला वाला प्लेस है इनिशियलाइजेशन का, फिर लगेगा सेमी कॉलन, फिर बीच वाली प्लेस हो जाएगी कंडीशन की, फिर लगेगा सेमी कॉलन, और ये लास्ट वाली प्लेस हो जाएगी इंक्रीमेंट की या डिक्रीमेंट की. फिर ये फॉर लूप का ब्रैकेट बंद हो जाएगा. फिर कर्ली ब्रेसेस, यहाँ जितने मर्जी स्टेटमेंट आप एग्जीक्यूट करना चाहते हो वो लिखोगे. अब यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट देने की ज़रूरत नहीं, वो हम यहाँ पे दे चुके हैं, और फिर फॉर लूप को बंद कर देंगे. तो अभी हम देखते हैं कि क्या ये कॉम्पैक्ट वर्जन है वाइल लूप का. हाँ जी है. इनिशियलाइजेशन कहाँ आ गया? एक लाइन में आ गया. कंडीशन कहाँ चलेगी? उसी लाइन में है. और ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कहाँ चला गया? ये भी उसी लाइन में चला गया. और ये जो तीनों चीज़ें सेपरेट हो रही होंगी सेमी कॉलन से. बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कॉमा से सेपरेट कर रहे होते हैं, वो गलत हो जाएगा. तो सेमी कॉलन से सेपरेट करना पड़ेगा. अच्छा, लास्ट है डू वाइल लूप. तो डू वाइल लूप में कुछ नहीं है, डू से स्टार्ट हो रही है चीज़ें. इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट इसमें भी बाहर करना पड़ता है, सॉरी इनिशियलाइजेशन
इसमें भी बाहर करना होता है, फिर उसके बाद डू से ये लूप स्टार्ट हो जाएगा। अंदर जितने मर्जी स्टेटमेंट आप देना चाहो, उसके बाद में यहाँ पे आपको इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट भी देना होगा, जैसे अभी तक हम लोग वाइल लूप में देते हैं। फिर इसके बाद कर्ली ब्रेसेस लग के वाइल लगेगा, और वाइल में होती है कंडीशन, और इसके बाद लगेगा सेमी कॉलन। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ नोट करने वाली है कि कभी भी वाइल में, यहाँ पे वाइल के बाद में सेमी कॉलन नहीं लगा, कभी भी फॉर में यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं लगा, लेकिन डू वाइल में जब लास्ट में वाइल लिखा जाता है उसके अंदर कंडीशन लिखे जाते हैं तो यहाँ सेमी कॉलन लगता है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, ये है सिंटैक्टिकल डिफरेंस। सो सिंटैक्टिकल डिफरेंस का मतलब क्या हुआ? हाँ, कुछ कुछ सिंटैक्टिकल डिफरेंसेस हैं। इनिशियलाइजेशन, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट अलग अलग होता है, वाइल में कंडीशन बीच में होती है, फॉर में इनिशियलाइजेशन कंडीशन और इंक्रीमेंट एक साथ देना होता है लेकिन इनको सेपरेट करने के लिए सेमी कॉलन लगाना है। डू वाइल में वाइल के बाद कंडीशन लिखते हैं और एट लास्ट लिखते हैं, उसके बाद सेमी कॉलन जरूर लगता है। अगर सेमी कॉलन नहीं लगा होगा तो यहाँ पे एरर आ जाएगी। तो बस ये तीन तरीके के डिफरेंसेस, सिंटैक्टिकल डिफरेंसेस आपको याद होने चाहिए। स्ट्रक्चरल डिफरेंस ऑब्वियसली इनमें है। तो अब पहले तो ये चीज़ समझ लें कि हमारे पास में लूप को चलाने के लिए हमारे पास तीन चीज़ें होनी चाहिए। हमें किसी वेरिएबल को इनिशियलाइज करना होगा जिस पे लूप चला रहे हैं, फिर कंडीशन होगी, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना पड़ेगा एच पर आर कन्वीनियंस और एच पर आर एप्लीकेशन और प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो अभी फिलहाल ये हमें सिंटैक्स समझ में आ गया। अब अगर हमें सिंटैक्स समझ में आ गया तो छोटा सा प्रोग्राम बना करके देख लेते हैं तीनों लूप से। तो सिंपल सा एक प्रोग्राम ले लेते हैं कि मान लो हमें 10 नंबर प्रिंट करने हैं। लेट प्रिंट 10 नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। सिंपली छोटा सा टास्क ले लेते हैं। अब व्हाइल लूप से ये प्रोग्राम कैसे बनेगा? तो ऑब्वियसली हम हमेशा प्रोग्राम करते हैं तो हमें एक वेरिएबल लेना है जिसमें हम लोग जिसको हम लूप वेरिएबल बोलेंगे। तो लेट सपोज उस वेरिएबल को हम बोलते हैं SHORT शॉर्ट आई। ठीक है, ये एक सिंपल सा तरीका मेरा प्रोग्राम लिखने का है। ये कैसे कंप्लीट करना है ये अभी हम समझ लेंगे। पहले हम मेन मेन चीज़ें देख लेते हैं कि क्या क्या हमें चाहिए। तो हमें एक शॉर्ट वेरिएबल चाहिए जिसमें हम लूप चलाएंगे। तो हमने एक वेरिएबल ले लिया आई। अब हमने इस आई को इनिशियलाइज कर दिया, तो दिस इज़ माई इनिशियलाइजेशन, आई इक्वल्स टू 1। फिर हमने यहाँ पे वाइल लूप लगाया, वाइल में कंडीशन दे दी, जब तक आई लेस देन इक्वल्स टू 10 है तो ये लूप चलता रहेगा। अब हम अंदर आए वाइल लूप के अंदर, अब हमें क्या करना है? सिंपली ये प्रिंट करना है, हम एक लाइन में प्रिंट करना चाहते हैं। तो प्रिंट एफ स्लैश n%d, ये हमने दिया और इस आई को हमने प्रिंट कर दिया। उसके बाद इस लूप को कंटिन्यू करने के लिए आई को हमें बढ़ाना है, तो i++, और ये हमने बंद कर दिया। अब हम देखेंगे कि हमारा एक आई वेरिएबल है, हमने इसको डिक्लेयर कर दिया। अब यहाँ पे हमें इस पूरे आउटपुट स्क्रीन को रोकना होता है तो गेट ch लगाते हैं, फिर हमें इसको बंद कर देंगे। अच्छा, स्टार्टिंग में इनके बाद में कहीं पे clrscr लगाना होता तो ये वाली प्लेस हमारी होगी clrscr के लिए, ये हम clrscr यहाँ पे लिख देंगे। और फाइनली हम यहाँ पे मेन लिख के इस प्रोग्राम को बंद कर देंगे। ठीक है, तो ये सबसे सिंपल तरीका होता है प्रोग्राम को इफेक्टिवली लिखने के लिए, कि पहले अपना मेन लॉजिक को डिस्कस कर लो, लिख लो, उसके बाद उस मेन लॉजिक में जो एक्स्ट्रा वेरिएबल बने हैं तो उनको क्रिएट कर लो, उनको डिक्लेयर कर लो, फिर जहाँ पे गेट ch clrscr लगना है, clrscr हमेशा सब डिक्लेरेशन होने के बाद लगता है, तो वहाँ पे लगा दिया, फिर मेन को बंद कर दिया, तो ये आपका प्रोग्राम हो जाता है। इंक्लूड stdio.h conio.h लिखने की ज़रूरत है नहीं, वो सभी को पता है, अंडरस्टूड है। ठीक है, अच्छा, सेम प्रोग्राम अगर फॉर लूप से बनाना हो तो फिर से वही लॉजिक अप्लाई कर लेते हैं। फिर से हमारे पास एक वेरिएबल है शॉर्ट आई, उसके बाद आई को इनिशियलाइज कर देते हैं। यहाँ पे आई को इनिशियलाइज यहाँ करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हमको पता है फॉर कॉम्पैक्ट है, कॉम्पैक्ट है, तो यहीं अंदर जाकर करके आई को इनिशियलाइज करो 1, फिर लगेगा सेमी कॉलन, फिर कंडीशन लग जाएगी लेस देन इक्वल्स टू 10, फिर लग जाएगा सेमी कॉलन, फिर लग जाएगा i++, ये इंक्रीमेंट है। अंदर आए, फिर अंदर छोटा सा स्टेटमेंट लिखना है, प्रिंट एफ %s/n%d, और यहाँ पे हमने आई को प्रिंट कर दिया। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस बंद कर दिया, फिर ये लग गया गेट ch स्क्रीन को रोकने के लिए,
कर्ली ब्रेसेस बंद कर दिया और यहाँ पे CLRSCR लिख दिया और मेन को स्टार्ट करा, फंक्शन को कर्ली ब्रेसेस से ओपन कर दिया। तो यह ही प्रोग्राम हमारा बन गया फॉर से। अब यहाँ पे देख रहे हैं फॉर से बनाना कितना इजी है। यहाँ पे हमें बाहर इनिशियलाइजेशन करना पड़ा, अंदर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का ध्यान रखना पड़ा, फिर कंडीशन देने पड़े। यहाँ पे कंडीशन, इनिशियलाइजेशन और इंक्रीमेंट सब एक साथ करना पड़ा। अब मान लो ये लूप कैसे चलेगा, ये वाई लूप चलेगा। शुरुआत में आई की वैल्यू है 1, आई कंडीशन टेस्ट हुई आई लेस देन इक्वल्स टू 10, हाँ जी है, अंदर गया, आई को प्रिंट कर देगा 1, 1 को प्रिंट करने के बाद में आई को इंक्रीमेंट कर देगा। यहाँ पे सिंपल आई प्लस प्लस लिखा हुआ, इसका सीधा सा मतलब है आई इक्वल्स टू आई प्लस 1। अब ये आई इंक्रीमेंट हो गया, इंक्रीमेंट होकर के बना 2, फिर से ये ऊपर जाएगा, 2 को टेस्ट करेगा कंडीशन टेस्ट 10 के साथ में, 2 लेस देन इक्वल्स टू 10, हाँ जी है, अंदर जाएगा, 2 को प्रिंट कर देगा, फिर 3 को प्रिंट कर देगा, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9। ऐसे ही जब लास्ट बारी 9 इंक्रीमेंट होकर के बना 10, 10 लेस देन इक्वल्स टू 10, हाँ जी है, 10 को प्रिंट करेगा, 10 को प्रिंट करने के बाद में 10 इंक्रीमेंट होकर के हो जाएगा 11, 11 ऊपर जाएगा कंडीशन में, 11 लेस देन इक्वल्स टू 10, अब कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, फॉल्स हो जाएगी तो ये गेट वाइल लूप से बाहर आएगा गेट सी एच पे और गेट सी एच पे आकर के प्रिंट कर देगा। तो इस तरीके से आपका ये आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट हो रहा होगा, ठीक है। अच्छा, सेम प्रोग्राम को डू वाइल से बनाना हो तो कैसे बनेगा, हाँ जी बन सकता है। तो कुछ नहीं करना है, एक शॉर्ट वेरिएबल बनाया आई, इनिशियलाइज करा आई इक्वल्स टू 1, लिखा डू, अंदर आए, अंदर हमने प्रिंट एफ स्लैश एन परसेंट डी आई को कर दिया प्रिंट, फिर हमने इसको कर दिया इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट करने के बाद अब ये इंक्रीमेंट चाहे आप ऊपर करो या नीचे करो एक ही बात है। अब ये आपका अंदर आएगा, यहाँ पे इसके साथ लगेगा वाइल, वाइल को नीचे वाली लाइन में बदल देना और वाइल के अंदर कंडीशन टेस्ट हुई आई लेस देन इक्वल्स टू 10 जब तक है, और सेमी कॉलन लगाना नहीं भूलेंगे। जब ये पूरा लूप चलेगा खत्म होगा तो यहाँ आएगा गेट सी एच, गेट सी एच के बाद ये बंद हो जाएगा, बंद होने के बाद में ये कर्ली ब्रेसेस बंद, और यहाँ से ये मेन स्टार्ट हो जाएगा और ये कर्ली ब्रेसेस बंद हो जाएगा, ठीक है। अब इस प्रोग्राम को चलने का तरीका देखो, ये आई इक्वल्स टू 1 है, पहले ही आएगा अभी बिना किसी कंडीशन टेस्ट किए हुए, ये सीधे सीधे वाई 1 को प्रिंट करेगा, फिर 1 को इंक्रीमेंट करके बना देगा 2। अब ये वाइल कंडीशन पर आया, अब टेस्ट हुआ 2 लेस देन इक्वल्स टू 10, हाँ जी है, ट्रू, तो ये फिर ऊपर जाकर करके 2 को प्रिंट करेगा, 2 को इंक्रीमेंट कर देगा 3, 3 लेस देन इक्वल्स टू 10, हाँ जी है, तो 3 को ऊपर जाकर प्रिंट कर देगा और फिर इंक्रीमेंट होकर के बना देगा 4, 4 लेस देन इक्वल्स टू 10, हाँ जी है, 4 ऊपर जाकर के प्रिंट होगा, तो ऐसे 5 प्रिंट हो जाएगा, 6, 7, 8, 9। जब लास्ट में 10 प्रिंट होगा, 9 प्रिंट करने के बाद बनाएगा 10, 10 कंडीशन पे आएगा, 10 लेस देन इक्वल्स टू 10, हाँ जी है, तो ऊपर जाकर 10 प्रिंट होगा, फिर 10 को ये बनाएगा 11, 11 लेस देन इक्वल्स टू 10, अब कंडीशन हो जाएगी फॉल्स और ये एग्जीक्यूशन सीधे सीधे यहाँ से बाहर निकल करके गेट सी एच पे आकर के प्रिंट हो जाएगा। तो अभी भी वही सेम सीक्वेंस ऑफ 10 नंबर्स इज गोइंग टू बी प्रिंटेड ऑन द आउटपुट स्क्रीन। ये किससे हुआ, डू वाइल से हुआ। इससे पहले ये काम किससे हो रहा था, फॉर से हो रहा था, फॉर से पहले से और किससे हो रहा था, हाँ जी ये वाइल से हो रहा था। तो आप देख सकते हो हमारे पास एक ही टास्क था, एक ही प्रॉब्लम थी और हमें कोई ना कोई लूप लगाना था उसको हैंडल करने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए। हमारे पास 3 ऑप्शंस थे, हम वाइल लूप लगा सकते थे, फॉर लूप लगा सकते थे और डू वाइल लूप लगा सकते थे। हमने तीनों को लगा दिया, बट तीनों को लगाने के लिए हमें तीनों लूप की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। क्या अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि डू वाइल लूप लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, कंडीशन कहाँ लिखते हैं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कहाँ करते हैं, इनिशियलाइजेशन कहाँ करते हैं, और डू वाइल में हमेशा सेमी कॉलन लगता है। फॉर कैसे लिखते हैं, हाँ जी एक लाइन में लिखते हैं, इनिशियलाइजेशन भी एक लाइन में होगा, सेमी कॉलन से सेपरेट होगा, कंडीशन होगा, सेमी कॉलन लगेगी और आपका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट दिया जाएगा, लेकिन एक लाइन में दिया जाएगा, सेमी कॉलन नहीं लगाना। उसके बाद वाइल, हाँ जी सबसे पहला लूप तो वाइल ही है, सबसे आसान भी है, तो इनिशियलाइजेशन करो बाहर, कंडीशन करो टेस्ट और फिर आगे जाके अपना काम प्रिंट करने के बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करो और रिपीट करो। एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात याद रखनी है कि वाइल, फॉर इन सब में कंडीशन पहले टेस्ट होती है, जबकि डू वाइल में कंडीशन सबसे लास्ट में टेस्ट होती है, ठीक है। तो इस वजह से हम ये कहते हैं कि डू वाइल लूप
हमेशा एटलीस्ट एक बार ही तो एग्जीक्यूट होता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स, क्योंकि कंडीशन सबसे लास्ट में टेस्ट हो रही है, तो ये सब एग्जीक्यूशन करना स्टार्ट यहाँ से करेगा, तो एटलीस्ट एक बार ये प्रिंट कर चुका होगा और फिर कंडीशन टेस्ट करेगा, फिर कंडीशन अगर ट्रू हुई तो फिर रिपीट करेगा, अगर कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो वहीं से बाहर निकल जाएगा। तो हम हमेशा नोट इसको याद रखते हैं कि ओनली डू व्हाइल लूप एग्जीक्यूट्स एटलीस्ट वंस इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर द कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तो यही छोटा सा एक्सरसाइज हम इसको प्रोग्रामेटिकली यहाँ पे टर्बो सी का यूज़ करके बना के भी देख सकते हैं। तो हम हमेशा प्रोग्राम कैसे करेंगे, टर्बो सी ओपन करा, फाइल करें, न्यू करा, सबसे पहला काम हमारा क्या आना चाहिए, अल्ट ऑफ सेव। हम इसको मान लो एक लूप डॉट सी नाम से सेव कर लेते हैं। पहली लाइन इंक्लूड एस टी डी आई डॉट एच ऑलरेडी लिखी हुआ रही है, लेकिन फिर भी समझाने के लिए मैं एक बारी फिर से रिपीट कर, तो सबसे पहली लाइन लिखते हैं इंक्लूड एस टी डी आई ओ डॉट एच, सेकेंड लाइन लिखते हैं इंक्लूड कोन आई ओ डॉट एच कोनियो डॉट एच देन योर मेन फंक्शन देन कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट कर्ली ब्रेसेस एंड। ठीक है, इसमें हम दो मार्कर बना लेते हैं सी एल आर एस सी आर, इससे ऊपर डिक्लेरेशन करेंगे, बीच में अपना काम करेंगे और सबसे लास्ट में लिख देते हैं गेट सी एच जो हमारा एंड मार्कर होगा। इससे पहले हमें क्या करना है, एक शॉर्ट नाम का वेरिएबल बना देते हैं आई। इनिशियलाइजेशन करना है, हाँ जी कर लेते हैं वन। फिर क्या लिखना है, वाइल कंडीशन लगाई, कंडीशन क्या है आई लेस देन इक्वल्स टू 10 अंदर आई और यहाँ पे प्रिंट करा, प्रिंट एफ स्लैश एन न्यू लाइन से प्रिंट करने के लिए परसेंट डी, हमेशा हर बारी नंबर प्रिंट होगा न्यू लाइन के साथ में यानी कि नई लाइन में, और यहाँ पे आई को प्रिंट कर दिया, रिपीट करने के लिए आई को इंक्रीमेंट कर दिया तो आई प्लस प्लस। उसके बाद देख लेते हैं एक बारी कि क्या वाइल के बाद में गलती से सेमी कॉलन लगा, नहीं लगा, इसका मतलब परफेक्टली ओके है। क्या इंक्रीमेंट देना था, इंक्रीमेंट ही दिया, कहीं गलती से बच्चे यहाँ पर डिक्रीमेंट दे देते हैं और पूछते हैं कि लूप चला नहीं, तो वो भी देख लेना ज़रूरी है। तो कभी भी प्रोग्राम चलाने से पहले एक बारी सेल्फ चेक कर लीजिए, रीचेक कर लीजिए, ओवरव्यू चेक कर ओवरव्यू कर लीजिए कि छोटी छोटी मिस्टेक्स तो नहीं हुई हैं। अब लगता है ये प्रोग्राम बिल्कुल ठीक है, ऑल्ट एफ करिए, सेव करिए, ऑल्ट आर करिए, रन करिए। ठीक है, तो आप देख रहे हैं तो 10 नंबर न्यू लाइन में प्रिंट हो गए। कभी कभी आप चाहते हो कि ये हॉरिजेंटली प्रिंट हो, नई लाइन में प्रिंट ना होकर के हॉरिजेंटली प्रिंट हो लेकिन स्पेस के साथ में, तो उस कंडीशन में लगा दो स्लैश एन की जगह स्लैश टी, टी का मतलब होता है टैप, ऑल्ट एफ सेव ऑल्ट आर रन, तो हॉरिजेंटली ये नंबर प्रिंट हो रहे हैं। ठीक है, ये तो था टैप, टैप पहले से ही कैलकुलेटेड स्पेस है, कम से कम 8 स्पेस पड़ जाते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि आपके हिसाब से एक दो दो स्पेस होने चाहिए, तो आपने अपने तरफ से दो स्पेस दे दिए, ऑल्ट एफ सेव ऑल्ट आर रन रन, तो अब ये दो स्पेसेस के साथ में आपको 10 नंबर दिखा रहा होगा। ठीक है, अच्छा सेम प्रोग्राम क्या फॉर लूप से भी लिखा जा सकता है, हाँ जी, और फॉर लूप से लिखेंगे तो ये और कॉम्पैक्ट बनेगा, तो उसको करने के लिए अब आप ऑल्ट एफ फिर से न्यू F5 से इसको बड़ा कर दो, ऑल्ट एफ सेव करेंगे, इस बार कर देते हैं लूप टू डॉट सी, पहला स्टेटमेंट इंक्लूड एस टी डी आई ओ डॉट एच, सेकेंड स्टेटमेंट इंक्लूड कोन आई ओ डॉट एच मेन कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट कर्ली ब्रेसेस एंड, पहला सी एल आर एस सी आर स्क्रीन को क्लियर करने के लिए, दूसरा गेट सी एच स्क्रीन को होल्ड करने के लिए, सी एल आर एस सी आर से पहले होगा डिक्लेरेशन शॉर्ट आई, अब नीचे अपना प्रोग्रामिंग होगा, आई में रखेंगे वन इनिशियलाइजेशन, फिर लिखना है डू कर्ली ब्रेसेस लगेगा कर्ली ब्रेसेस एंड, और यहाँ रखेंगे वाइल डब्ल्यू एच आई एल ई वाइल, और कंडीशन लगेगी आई लेस देन इक्वल्स टू 10 और उसके बाद सेमी कॉलन लगाना नहीं भूलेंगे। फिर अंदर छोटा सा स्टेटमेंट दे दिया प्रिंट एफ परसेंट डी स्लैश एन परसेंट डी, आई को कर दो प्रिंट और आई को कर दो इंक्रीमेंट।
अब सब कुछ ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ वाइल के बाद सेमी कॉलन लगा, हाँ जी लगा, पर वाइल डू वाइल में लगता है, इसलिए ये लगाना जरूरी है। अगर नहीं लगाओगे तो एरर है। बाकी एक बार रीचेक करने के बाद में एक जगह गलती कर रखी, आई के बाद में मैंने सेमी कॉलन नहीं लगाया। तो रीचेकिंग के ये फ़ायदे होते हैं, जहाँ थोड़ी बहुत मिस्टेक होती है वो दूर हो जाती है। तो आप लोग भी इसको सेव एक बार रीचेक करा कर, ऑल्ट एफ ऑल्ट आर रन, फिर से 10 नंबर प्रिंट हो गए। तो आप देख रहे हैं कि काम तीन तरीके के लूप से पॉसिबल हो पाया प्रिंट करना। अच्छा, अब थोड़ा थोड़ा चेंज कर लेते हैं। मान लो हमें लगाना भूल गए, क्या होगा देख लेते हैं। ऑल्ट एफ सेव ऑल्ट आर रन, तो यहाँ पे एक एरर आ जाएगी। तो डू वाइल स्टेटमेंट मिसिंग, तो मिसिंग इसका मतलब पहले से बता रहा है कि इस वाले स्टेटमेंट सेमी कॉलन लगना था, वो नहीं लगाया, इसलिए यहाँ पे ये एरर बता रहा। अब रन कर रहे हैं, चलो ठीक है। अब थोड़ी देर के लिए मान लो इसे पहला वाला प्रोग्राम ओपन करना है, तो ऑल्ट एफ ओपन करिए, वहाँ पे उसका नाम था लूप टू डॉट सी, इसको ओपन कर लीजिए। ये प्रोग्राम बना है लूप टू, गलती से लूप टू, ओके ओके सॉरी, फर्स्ट प्रोग्राम वॉज लूप वन डॉट सी। मान लो आपने गलती से यहाँ लगा दिया सेमी कॉलन, अब आप प्रोग्राम को चला रहे हो ऑल्ट एफ सेव करके ऑल्ट आर रन, तो प्रोग्राम चला और 11 ही प्रिंट हुआ। अब आप सोचोगे कि 11 प्रिंट क्यों हुआ, एरर क्यों, सारे नंबर प्रिंट क्यों हुए, नहीं हुए। तो बहुत सिंपल सा आइडिया, इसको अगर डिबग करोगे तो ये बताएगा, ठीक है आपका पहली बारी लूप आया, आई इक्वल्स टू वन, कंडीशन हुई ट्रू, ट्रू होने के बाद में ये यहाँ पे आपने एक बॉडी देनी थी, बॉडी में स्टेटमेंट देना था, पर वो मिसिंग है, तो मिसिंग है तो कुछ नहीं करेगा। तो ये सीधे सीधे आई प्लस प्लस वन पे आया, आई को इंक्रीमेंट करके बनाया टू, फिर इंक्रीमेंट करने के बाद में फिर कंडीशन टेस्ट हुई टू के लिए, फिर थ्री के लिए, फिर फोर के लिए, फिर फाइव के लिए, फिर सिक्स के लिए, फिर सेवन के लिए, फिर एट के लिए, फिर नाइन, टेन। टेन के बाद जब टेन इंक्रीमेंट होकर के बना इलेवन, इलेवन बना और कंडीशन हुई फॉल्स, तब ये बाहर आया, और बाहर आने के बाद में इस वाले प्लेस में अंदर आया, और इस वाले प्लेस में अंदर आकर के आई में एक वैल्यू पड़ी हुई है 11, वो सीधे सीधे वो वैल्यू प्रिंट हुई और आपको आउटपुट दिखाई दिया। ठीक है, तो ये मिस्टेक्स आती हैं अगर आप गलती से सेमी कॉलन लगा लोगे। अच्छा, कभी कभार बच्चे क्या गलती करते हैं, सेमी कॉलन या कॉमा लगा रहे होते हैं, फिर कहते हैं कि प्रोग्राम में एरर है। तो इसको एरर को देखने का तरीका क्या है, वो साफ साफ कह रहा है कि फॉर स्टेटमेंट मिसिंग, मिसिंग का मतलब है कहीं पे भी मिसिंग हो सकता है। अंदर दो जगह है, सेमी कॉलन आना था, गलती से यहाँ कॉमा लग गया, तो आप यहाँ पे सेमी कॉलन करो, ठीक, और प्रोग्राम को करो सेव, आर करो, रन करो, तो इस तरीके से आपके सारे प्रोग्राम बन जाएंगे। ठीक है, सो दिस इज रिगार्डिंग दी थ्री टाइप्स ऑफ लूप्स। टुडे वी हैव रिवाइज्ड, वन इज योर वाइल लूप, सेकेंड इज योर फॉर लूप, थर्ड इज योर डू वाइल। वाइल लूप बहुत सिंपल है, आसान है, सबसे पहला लूप है। फॉर लूप इसी का ही एक कॉम्पैक्ट वर्जन है, सारी चीज़ें एक साथ लिखी जाती हैं, एक लाइन में लिखी जाती हैं, और वो सारी चीज़ें क्या है, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। देन योर डू वाइल लूप, डू वाइल लूप एक ऐसा लूप है जिसमें कंडीशन सबसे लास्ट में टेस्ट होती है, और डू वाइल लूप इसी प्रॉपर्टी के कारण एटलीस्ट एक बार ही एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि कंडीशन सबसे लास्ट में टेस्ट होनी है। तो कंडीशन ट्रू है फॉल्स है इसका तो पता बाद में चलना है, लेकिन एक बार वो एग्जीक्यूट कर चुका होगा, तो दैट इज डू वाइल लूप। सो एनी रिपीटिशन यू वॉन्ट इन योर प्रोग्राम, देन यू हैव टू इंट्रोड्यूस लूप, एंड यू हैव थ्री वेराइटी ऑफ लूप्स पॉसिबल, एंड फ्रॉम दीज थ्री वेरिएशन यू कैन पिक एनी वन फॉर योर पर्पज, एंड देन यू कैन यूज इट। ओके, सो दिस इज वट how you are dealing with the loops. Okay, so I think this is enough for my side for the today's discussion. So please ये वीडियो को आप लोग देखें, रिवाइज करें और अच्छे से अंडरस्टैंड करें लूप्स के बारे में। इसके ऊपर बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, तो दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ दिस सीरीज। थैंक यू।